आपका नाम क्या है? लालचंद बरीपुर। क्या मामला है पूरा? मामला हमारा ये है साहब, जो है हमारे घर के सामने जो है 11,000 तार जो है खिंचवा दिया है लस्सू पटेल ने, और उसमें से कनेक्शन करवाया छक्की के लिए। कह रहा आप चाहे जहाँ भी जाओ पैसे से नहीं कम है, तुमको ज़्यादा बोलोगे मारेंगे पीटेंगे, आप भाग जाओगे यहाँ से घर छोड़कर, कुछ भी तुम्हारा कोई कुछ नहीं हमारा कर सकता। इसके बाबत आपने प्रार्थना पत्र कहीं दिया? मैंने जो एप्लीकेशन चार चार एप्लीकेशन दिया, कोई सुनाई नहीं हुई। फिर परसों दे के गया एप्लीकेशन जिलाधिकारी सर को, जो है कोई अभी तक कोई सुनाई नहीं हुई है। और मेरे छत के घाल जो है 11,000 तार जा रही है, उसमें हमारे बच्चों को जो कोई दुर्घटना होगी तो उसको जिम्मेदार कौन होगा? क्या नाम है आपका? मेरा नाम कोमल प्रसाद है, मैं बलपुर गांव का निवासी हूँ। क्या समस्या है आपकी? मेरे ये समस्या कि मेरे रास्ते के ताकि मेरे 20 वर्ष की जमीन जो आबादी है वो पुराने बुजुर्गों की, और मेरे उसमें 50 वर्ष के घर मेरे बड़े भाइयों का बना हुआ है, मेरे मम्मी पापा को, और वहाँ रास्ते में हमारे लकड़ी मोटी मोटी लकड़ियाँ को ढेर लगा दिया गया, और वहाँ नियम बन करके हिंदुओं का नियम ढाल रखा है। तो आपने मना नहीं किया ऐसा करने से? मना करते हैं तो वो गाली देते गंदी गंदी, और बोलते हैं कि हम तुमको जान से मार देंगे, और सारे परिवार आ जाते हैं लाठी डंडा लेकर। तो इसकी शिकायत आपने कहीं किया? जी बहुत जगह किया, SDM महोदय जी के पास किया, DM महोदय जी के पास किया, कोई सुनाई कार्रवाई नहीं हुआ। और चौकी अजुआ चौकी के पुलिस आती है तो उनको पैसा दे करके और उनको वापस भेज दिया जाता है, कोई कार्रवाई नहीं अभी तो। सबसे बड़ा मसला जो है, जो हमारी मुल्क की तरक्की की रुकावट में सबसे बड़ा सबब बना हुआ है, वो है तालीम। तो अगर आप तालीम के ताल्लुक से उन बच्चों को रुजू कराएंगे, उनसे मिलेंगे और उन्हें पढ़ाने की कोशिश करेंगे, बहुत से लोग अपनी बात नहीं कह पाते, यकीनन सी बात है माशी एतबार से आर्थिक रूप से हम लोग इकोनॉमिकल तौर पर कमज़ोर हैं, तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। और हमेशा मैं सालाना कहता भी हूँ और बीच बीच में भी कहता रहता हूँ कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ख्वाह वो किसी भी मज़हब से किसी भी धर्म से हो, उन्हें आगे आना चाहिए, क्योंकि तालीम की ना तो कोई बिरादरी है, ना इसकी कोई सरहद है, ना इसका कोई मज़हब है। इसे पाने के लिए, इसके जानने के लिए सबका हक है, और उसमें आप लोग अगर ताउन रहे तो आप सवाब के और पुण्य के भागीदार बनेंगे। असली काम यही है कि तालीम हो, जिससे हमारा एक ख़ानदान, हमारा मोहल्ला, हमारा शहर, हमारा ज़िला, हमारा मुल्क दिन ब दिन तरक्की करे। अब जैसे इस साल हमारे यहाँ अरबी, फारसी, संस्कृत, म्यूज़िक का नया कोर्स आया है, इसी तरीके से हमारे यहाँ MSc फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ में भी शुरू हुई है, और BCom पहले से चल रहा है, BSc होम साइंस पहले से चल रहा है, BA में तमाम कोर्स हमारे यहाँ पिछले 15 साल से चल रहे हैं, BEd मौजूद है, BEd इग्नू में भी मौजूद है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के डिस्टेंस एजुकेशन के कोर्स हमारे यहाँ। और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि जो लोग जामिया में पढ़ने की ख्वाहिश रखते थे, जो लोग अलीगढ़ में पढ़ने की ख्वाहिश रखते थे, उस ताल्लुक से हमारे यहाँ अलीगढ़ डिस्टेंस एजुकेशन जो गालिबन पिछले 2 सालों से चल रहा है, और इस साल करंट में हमारे यहाँ जामिया मिलिया दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है कोर्स शुरू हुए हैं, जिसमें BA है, LLB है, BSc है, MA है तमाम, और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में हाई स्कूल और इंटर भी है, और BCom भी है, और MA भी है तमाम। इसी तरीके से राजश्री टंडन है और इंदिरा गांधी यानी कि इग्नू है। तो हमारे यहाँ पहले लोगों को ये था कि रोज़गार का कोई कोर्स नहीं है, लेकिन इस साल अल्हम्दुलिल्लाह रोहेलखंड यूनिवर्सिटी से हमने BBA, BCA और MCA शुरू करने जा रहे हैं, और गालिबन शुरू हो चुका है और लिमिटेड सीटें हैं, तो उसमें हमारे लिए, अमरोहा के लिए बड़े फ़ख्र की बात है